तो कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? कल है तो बताना क्या, उससे बढ़िया अभी पढ़ाई का है, बहुत बढ़िया हूँ। जी अब यहाँ विदाई सम्मान समारोह समाप्त हो चुका है, लगता है कि आपका आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो अब यहाँ विदाई सम्मान समारोह सम्पन्न हो चुका है और सभी लोग वहाँ के साथ जाकर के फोटो खिंचवा रहे हैं, जिनको जो भी तोहफा हो रहा है अपना तोहफा दे रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी एक तरह से प्राउड भी फील हो रहा है कि इस माँ के बेटे ने इतना ज़्यादा सम्मान माँ के लिए पूरा किया। देखकर हमारे शिक्षक यहाँ पर भावुक हो गए बोलते बोलते माँ के बारे में, माँ का ऐसा कार्यकाल रहा है, सभी यहाँ पर बुला रहे हैं। फिर जी विदाई सम्मान समारोह के समाप्त होने के बाद माँ आ गई बाहर और अपने प्रखंड के जितने भी शिक्षक हैं उनके साथ बात करने लगी। और माँ और शिक्षकों के बीच जो बातचीत को मैं सुन रहा था, इसको देख करके पता चल रहा था कि माँ के प्रति कितनी इज्जत है और माँ ने अपनी कितनी अच्छी छवि बनाई है। और इस बातचीत के बाद हमें अचानक से बुलावा आया खाना खाने का। तो जी वहाँ पर सभी शिक्षक जो भी आए हुए थे, 600 से 800 शिक्षक के करीब, उन सभी के खाने का व्यवस्था भी किया गया था। और जब माँ खाने पहुँची, फिर भी शिक्षकों का वहाँ देख रहा था मैं, आना जाना लगा हुआ था। और माँ भी उन सभी से बात करने में इतनी मशगूल थी कि माँ को खाने का भी ध्यान नहीं था। शायद माँ सोच रही होंगी कि आज आखिरी ही दिन है तो इन सबसे बात कर लेते हैं, और ऐसा लग रहा था कि हम अपने परिवार के बीच में ही हैं। और जी हम और जिया तो खाने पर टूट पड़े थे, बात ये थी कि हम लोग इतने ज़्यादा भूखे थे। हाँ, सुबह से कुछ नहीं खाया था क्योंकि हमें सुबह थोड़ा लेट हो गया था और जब हम लोग चल रहे थे रास्ते में तो हमें ये लग रहा था कहीं लेट ना हो जाए, इस वजह से भी हम लोग थोड़ा बहुत। और जी हम तो कुछ कुरकुरे चिप्स थोड़ा जैसा नमकीन जैसा ले भी लिए, जिया तो वह भी नहीं ली थी। हमें खाने का मन नहीं था इस वजह से हम नहीं खाए। और यहाँ पतिदेव टूट पड़े थे सब्जी खाने में, सब्जी इतना ज्यादा टेस्टी था और रसगुल्ला भी बहुत टेस्टी बिल्कुल था। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा तो अच्छा लग रहा था यहाँ का जो लोकल दही था। हाँ। और उन्होंने भी जो खिलाने वाले थे वह भी जमकर खिला रहे थे। हम कह रहे थे नहीं जी अब छोड़ दीजिए, अब हमें अब नहीं दीजिए। और इनको तो अंदर से खाने का मन था ही, बस ऊपर ऊपर से बोल रहे। नहीं खाने का मन था, ऐसा नहीं था कि खाने का मन नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा अमाउंट में भी खाना नहीं था। लेकिन छोड़े बिल्कुल भी नहीं, सारा खा गए, समझ सकते हैं खाने की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, सुनिए ना। जी इग्नोर करिए जिया की बातों को, या तो ऐसे ही मेरी टांग खींचते रहती है। टांग नहीं खींचते, सच बोल रहे थे। अच्छा बड़ी आई सच्चाई के देवता, चलो हटो। जी आपको हम मिलवाते हैं माँ के प्रखंड में जो भी शिक्षक काम कर रहे थे उन सभी शिक्षकों से। वो सभी शिक्षक यहाँ पर देख रहे हैं आप, सभी भोजन कर रहे हैं, यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी सभी शिक्षकों के लिए और काफी अच्छा लग रहा था इन सभी शिक्षकों के बीच जा करके। और जो खाना खिला रहे थे ना वो भी शिक्षक ही थे। हाँ जी यहाँ पर बाहर से किसी को नहीं लाया गया था, सभी शिक्षकों ने इस कार्यक्रम का आपस में मिलकर के आयोजन किया हुआ था। तो चलिए जी आपको मिलवाते हैं कुछ लोगों से जिन्होंने माँ के साथ करीबी तौर पर काम किया था, कि उनके माँ के बारे में क्या विचार थे, उनका कार्यकाल कैसा रहा। कि हम हैं माँ के साथ जो एक कार्यरत थे उनके साथ हैं, तो इनसे जरा जानते हैं माँ के कार्यकाल के बारे में कैसा रहा। आज तो माँ विदा हो गई है। अच्छा कार्यकाल रहा इनका। अच्छा एक साल में अच्छा कार्यकाल, एक साल में अच्छा रहा। कभी कोई गिला सिखवा, कोई गिला सिखवा। आपका क्या नाम हुआ? अनुरोध सिंह। आपका क्या है, किस पद पर है अभी? शिक्षक है, शिक्षक प्रखंड शिक्षक। तो माँ के साथ कभी बातचीत हुई आपकी? हर हमेशा जब होता था। तो कुछ बताना चाहेंगे उनके बारे में? कल है तो बताना क्या, उससे बढ़िया अभी पढ़ाई का है, बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा बढ़िया, कोई भी शिक्षक का कहीं कोई वो हित नहीं, हर हमेशा सपोर्ट में करा रहा है। संदीप कुमार। संदीप जी आप बताइएगा अपने बारे में। सरवाड़ी प्रधान आ जाओ, आलम बताना चाहेंगे माँ के बारे में। काम के बारे में क्या बताएं, बहुत ही अच्छा होगा रहा। अच्छा यहाँ योगदान और सब टीचर के हित में ही काम हुआ, कभी भी कोई टीचर को ऐसा नहीं कुछ ऐसा हुआ कि हो जाए। अच्छा पक्ष में रहा टीचर के, बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम के परिवेश में इन्होंने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के रूप में 1.5 साल में जो आलमगढ़ में कार्य किए, इनके कार्य संस्कृति का सराहना तमाम DRP, तमाम शिक्षकगण, आलमगढ़ प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापकगण, समिति समन्वयकगण और समाज के अभिभावक, तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, पूरे प्रखंड के तमाम पदाधिकारी, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी हों, उनसे भी अच्छा संबंध रहा और सराहनीय इनका कार्य रहा। और इनके कार्यकाल को हम स्वर्णिम कार्यकाल मानते हैं, तमाम शिक्षकगण की ओर से, प्रधानाध्यापकगण की ओर से और समन्वयक की ओर से, DRP की ओर से इनके कार्यों का प्रशंसा करता हूँ।
यहाँ जो आप देख रहे हैं बैनर को उतारा जा रहा है, तो जी यह बैनर स्पेशली हमारे लिए उतारा जा रहा है। एक शिक्षक ने हमसे पूछा कि आपको वह बैनर दे दे जो बाहर टंगा हुआ है। हमने कहा दे दीजिए जी, यह तो हमारे लिए यादगार ही रहेगा। और उन्होंने फटाक से ऊपर चढ़वाया और खोलवा करके हमें दे रहे हैं। बिल्कुल जी, और आज भी इस बैनर को हम अच्छे से सहेज कर अपने घर में रखे हुए हैं। चलिए आप लोग जी, कार्यक्रम समाप्त होते होते काफी अंधेरा हो चुका था। और जी, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी कुछ ऑफिशियल प्रोसेस था, तो मानिए उन सभी प्रोसेस को पूरा किया, जितने भी फॉर्मेलिटी थी वो सब कुछ पूरा कर लिया। उसके बाद बारी आई विदाई की, और माँ की विदाई के समय भी कई सारे शिक्षक आए थे। और माँ के लिए यह तो और भी भावुक पल था कि अब इस शहर को भी उन्हें छोड़ना है, जिस शहर में वह पिछले 1.5 साल से काम कर रही थी, जहाँ एक अच्छा खासा उनका लगाव हो गया था। सभी शिक्षक भी काफ़ी ज़्यादा भावुक थे। कई सारे शिक्षक तो कह रहे थे जी आपके साथ हम भी आ जाते हैं, घर तक छोड़ देते हैं, लेकिन माँ ने उनसे आग्रह किया नहीं जी, हम फिर आएंगे इस शहर और आप लोग से ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब जाकर उन्होंने माना। आधे घंटे 45 मिनट से हम लोग यहीं पर जाम में फंसे हुए हैं, और हमें ध्यान आ गया एक और दिन का जब हम लोग जाम में फंसे थे। जिया पहली बार गई थी शादी के बाद मायके, और हम जिया को लेकर के आ रहे थे घर। शाम के 6 बजे जब हम लोग यहाँ पर जाम में फंसे थे, सुबह के 3 बजे हम लोग इस जाम से निकले। तो जी जो घर हम लोग 2 से 3 घंटे में पहुँच सकते थे, वो हम लोग पहुँचे 10 से 12 घंटे में। तो ये हुआ जाम का असर, और अभी यहाँ जाम खत्म हो चुका है, तो अब आगे निकल रहे हैं। लेकिन निकलने का मतलब ये है कि 4 कदम आगे चलकर फिर वहाँ गाड़ी रुक जाती है। तो ऐसा ही हाल चल रहा है। ये देखिए माँ को आराम से बैठी हुई है। ड्राइवर साहब, आ रहा है मजा? अच्छा, मजा आएगा जाम में फंस गए। फिर जी कुछ घंटे बाद जब हम जाम से निकले, तो सामना करना पड़ा कुहासा का, और कुहासा भी इतना कि सामने की गाड़ी तक नजर नहीं आ रही थी, इतना संभल कर हमें रात में चलना पड़ रहा था। जाम से तो निकल चुके हैं, और जाम से निकलने में लगभग लगता है 1.5 से 2 घंटा, कितना आज़ादी लग गया ना, 2 घंटा से 3 घंटा के करीब हम लोग को जाम लग गया है। उसे निकलने के बाद एक जगह हम लोग को मिला है चाय, हम लोग आए हुए हैं डूमर, यहाँ डूमर का चाय बड़ा फेमस है, चाय और पेड़ा। तो चाय का भी मजा ली है, कुछ देर पहले पेड़ा खाए हम लोग। फिर जी कुछ देर बाद हम लोग पहुँच गए घर, और वहाँ घर पहुँच गई, और इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। और अगले ब्लॉग में जो है आपको माँ को क्या क्या गिफ्ट मिला उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम लोग, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है उस अनबॉक्सिंग को लेकर के। और रिटायरमेंट के बाद माँ की क्या लाइफ है, आगे का क्या प्लान है, उनसे भी बातचीत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।